नेशनल हाईवे पर स्थित इंटर स्टेट बस अड्डा बिल्कुल GMC कठुआ के लागे है। वो तस्वीर तुम मेरे पिछले दिखा दो। इतने कॉम्पलैक्स बनाई था गया और इंटर स्टेट बस अड्डा टर्मिनल के नाम कहने से घोषित किया गया कि इतों जिन्या भी जड़िया भी बस बसा आंगन जड़िया सरकारी बसा ने जो जिन्या भी बसा आदियाँ वो इतने रुकन। तो इतों के जो कठुए के लोग जिन्हें अगे पिछे जा रहे जम्मू जाना या फिर अमृतसर जाना कटरे दिल्ली जाना या और अगे पिछे जाना तो जड़िया भी इतों बसा जंदियां हाँ वो इतों दिन सवारियां जड़िया ये बैठी सकन। लेकिन हालात यह रहे कि तकरीबन 7 साल हो गया लेकिन इतने जी है कोई भी बस जी है वह नहीं खड़ोती। हालात यह ने कि इसलिए जोड़ा है वो ट्रक स्टैंड जोड़ा है उसलै बनी गया। तुम देखी सकते हो कि इतने कई दुकाना जड़िया ने बिकी चुकी दी और खुली भी चुकी दी है। लेकिन हालात यह ने कि इतने कोई भी बस जी है उसलै नहीं खड़ोवा करती है। बड़ी शर्मनाक गल है कि अगर मौजूदा सरकार के होंगे भी जोड़ा है ये नहीं जोड़ा है ये इंटर स्टेट बस अड्डा जोड़ा है इतने बसा नहीं रुकिया क्योंकि उसका उद्घाटन जोड़ा हा डिप्टी CM जोड़े डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया हा। लेकिन जिस जोश शोश कने किया गया वो जोश शोश मुझे लगता कि वह खत्म हो गया और अज जो हालात ये कि इतने कोई बस नहीं खड़ोवा करती है। इतों के सारे कने कुछ स्थानीय लोग भी जोड़े ने वो जुड़े हैं उन्हें कने गलबात करने कि आखिर जोड़े है इसलिए क्या गल है कि पूरे कठुए जी है वो इतने इंटर स्टेट बस अड्डा बना दिया गया लेकिन हाले तक जो बसा नहीं खड़ोती। सर तुम इतों रोने वाले हो जी सर ये मुझे लगता कि तुम्हें भी पता होना कि लगभग 7 साल पहले 2016 जो है ये बस अड्डा जो इंटर स्टेट बस अड्डा टर्मिनल जो बनया बन लगा हाँ और अज तक जो इतने बस नहीं कोई खड़ो सकी है। क्या गल रही क्या वजह रही इसी कुछ कुछ जिम्मेवार मानते हो? जी पहले तो मैं कठुआ स्टार वाले का और थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुम टाइम टाइम पर जोड़ा है और लोगों के फायदे वाले जो मुद्दे होंगे ने उन्हें उजागर करते हो जी। तुम्हें जी कि तुम देखा कि यह 2016 के इस बस स्टैंड का उद्घाटन होया और तुम पिछले देखा दे मेरे कि सारिया दुकाना जड़िया ने दुकाना भी बनी दी दुकाना लोगों खरीदिए तो किराए पर भी चढ़ाई उड़ी दी। लेकिन ये अड्डा जोड़ा है ये सिर्फ बार रेस्टोरेंट और वाइन शॉप तक जोड़ा है वह सीमित रही आ। जोड़े ट्रक लखनपुरों आते हैं जो कश्मीर जाते हैं जो कन्याकुमारी टू कश्मीर जाते हैं उए ट्रक जोड़े इतने ना वो रुकते हैं। तो देखिए कि GMC जोड़ा है ये साढ़े के बिल्कुल कोल है और GMC के बीच लोग जोड़े ने कोई कोई PHC तो ट्रा उ मतलब कठुए लगे जाना लोगों अगर दिल्ली जाना कटरा जाना है कठुए अमृतसर जाना है जलंधर जाना है लेकिन उदे ताई कोई कठुए च आना भी है तो कठुए च जाना भी है। तुम देखो राती साड़ी माता भैन जड़ियां ने वो काली बड़ी उत्त रोड पर खड़ोती दी होंदियां ने सवेरे बाद बंद हो जांदियां सवेरे दे बाद बंद हो जांदियां और माता भैन साड़ियां खड़ोती दी होंदियां उत्थे बस लैन अड्डे उदे उपर काली बड़ी चौक च उत्थे अड्डा नहीं है। तुम देखा कि मेन रोड के उपर खड़ोती दी होंदियां राती बराती कोई कियां गड्डी चला दा कोई कियां गड्डी चला दा और उत्थे भी कोई हादसा पेश आने का जोड़ा है वह बनी सकता है। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ इतने फीता कट्टना है मेरे ख्याल च मैं बोर्ड देखा तो डॉक्टर निर्मल सिंह होर जोड़ा है इस अड्डे का फीता कट्टा और उस तो बाद उन्हें इस अड्डे की सुध तक नहीं ली उन्हें कि यह नहीं पता लगा था कि लोगों की यह चीज़ा जरूरी ने और लोगों की अं फैसिलिटी देचै। जेले जेले कोई उनके उपर गल होंगी है तो सिर्फ मोदी साहब का जोड़ा है वह नाल ले लेंदे कि मोदी सरकार जोड़ा है बड़ा अच्छा काम करा दी। ठीक है कुछ गल् ठीक भी की होनी लेकिन गल यह है कि इन लोग जोड़े जोड़े 25 MLA साढ़े इतने जिताए दे इन्हें इन लोगों के किया अज इन्हें कि जवाब देने पौना इन्हें तुम्हें पता तरला वाला पुल टुटिया तरनाला पुल पानी कन्नै टुटिया पहले इन्ने चिर 70 साल के पुल बने थे कदे नहीं टुटे लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है। तुम मैं तुम्हें पली वाले पुल पर भी देखा पली वाले पुल पर भी लोग बेचारे रड़ा दे तो इन्हें इतने कोई मटीरियल नहीं पाया जल्द तुम मेन रोड पर गड्डी लेइए जाते हो उत्थे गडकरी साहब गलांदे होंदे बड़े बड़े वादे करते कि गलास गड्डी च रखो तो गलास नहीं डुलग पानी का भी लेकिन तुम मेन रोड पर जाइए तो देखो मैं ख्याल पासे ठुली आ गए बंदे दे और तुहाडे माध्यम कन्ने इस सरकार की अहीं गलाना चाहते हैं कि यह जिहड़ा अड्डा है यह सिर्फ वाइन शॉप और उन्दे ताईं नहीं बनाए दा बारें ताईं नहीं बनाए दा जां सिर्फ ट्रकें ताईं नहीं बनाए दा यह अड्डा जिहड़ा है लोकें दी सहूलत वास्ते बनाए दा और लोकें की सहूलत दित्ती जा। जित्थों तक मेरी आवाज़ पुजदी है जे LG साहब मेरी आवाज़ सुनदे ने और साडी लोकें दी यह डिमांड है कि यह अड्डे की जोड़ा है जल्दी को जल्दी सुचारू रूप कन्नै चलाया जा और लोगों की जी है फैसिलिटी दी जा। इस सरकार ने झूठ की जी प्रकाशा होंगी है वह भी पार करी चुके हैं और अज इन लोग जोड़े ने
लोगों को लुकते जवाब देने जवाब नहीं दे सकते। तो देखिए पहले इन्हें गलाया भाई अं इलैक्शन कराना, उस तो बाद पंद्रह चौदह बंदे जड़े उत्थे गए, उन्हें गलाया भाई इलैक्शन हूँ जोड़ा है नहीं होना, कह नहीं होना क्योंकि इन्हें पता भाई जो सा सुपना साफ हो जाना और हूँ ब्हाना मारा दे एजेंसियां गला दी भाई माहौल ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है। बई जो म्युनसीपैलिटी का इलैक्शन है ये सारे को छोटा इलैक्शन है, बेसिक लोकतंत्र की बेसिक मूल है। जो थोड़े को सिक्योरिटी नहीं है, ये थोड़े को पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकते, तो फिर तुम पूरे देश से किया रड़ाई रड़ाई गला जम्मू कश्मीर लड़ना पो कि बस अखरो अहीं सरकार गी आखगे कि यह बस अड्डा जिहड़ा है वह महीने के अंदर अंदर जिहड़ा सुचारू रूप कन्ने चलाया जा, नहीं तो अहीं जिहड़ा है इत्थे लोग बैठिए अहीं प्रोटेस्ट करके साढ़े वार्ड नंबर 15 दे विच जिहड़ा है यह अड्डा पाउंदा है, अहीं प्रोटेस्ट करके और इस सरकार की इस तानाशाही सरकार की जिहड़ा है वह अहीं दसगे कि जिहड़े जिहड़ियां चीज़ां बनी दियां ने जिहड़ी गौरमेंट ने गौरमेंट जिहड़ी चीज़ बनांदी है उहदा फायदा कियां लैणा, ये लोग जिहड़े ने ये लोगों की सिर्फ झूठे जुमले देंदे झूठे वादे देंदे और कुछ नहीं करते। जय हिंद जय भारत। सर तुसीं भी आइए देखिया कि मैंने लगा काफ़ी चिरे तुसीं भी दिखा रहे होणी कि कॉम्पलैक्स तैयार किया गया है, दुकाना भी विकी हैं लेकिन बस नहीं हाले तक इतना खड़ोई सकी, इंटरस्टेट बस अड्डा या टर्मिनल बनाया गया है लोगों की सहूलत। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी थोड़ी गल बिल्कुल जायज़ है और अभी भी देखने कि सू भी निर्बोध आई थिंक कि 2016 उद्घाटन किया डॉक्टर निर्मल सिंह ने और आख्या कि इंटरस्टेट का बस स्टैंड है क्योंकि कालीवीर के गड्डिया रुकदियां ही कालीवीर एक चौंक हा एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जितना गड्डिया इंटरस्टेट की बसा चाहे वह दिल्ली द आ रही ने चाहे वह कोई भी स्टेट की आ रही हो सारिया उत्थे रुकदियां ही और उत्थे भी बड़ा मैं एक चीज़ और दसना चाहना कि तुम्हें कि अगर कालीवीर के कोई दिल्ली की गड्डी आ रही है चाहे कोई दिल्ली जा रही है कोई जयपुर जा रही है कोई राजस्थान जा रही है घट ही रुकती है और दूसरी चीज़ है कि उत्थे मोड़ इन्ना खराब है कि उत्थे रुकने चांस नहीं बनते हैं क्योंकि जगह बड़ी स्पेस बड़ी थोड़ी है जल्द रुकती है तो आपू बचा बड़ी उत्थे कैजुअलिटी जी बड़ी दिखने लगती है बट उसके बाद उन्होंने एक स्टैप चुकया कि चलो इंटरस्टेट जो इतना बस स्टैंड कठुआ में बनाने गवर्नमेंट चलो अच्छा स्टैप हाँ मैं नहीं आखता कि अच्छा स्टैप नहीं है बहुत वधिया स्टैप हाँ हों कि इंटरस्टेट बस स्टैंड जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जगह वार्ड नंबर 15 के उन्हें चूज़ करिए एक नैशनल हाईवे के कंडे इन्हें बस स्टैंड बनाया बट आखना मतलब यह है कि 2016 उद्घाटन तो करीता कंपलैक्स तुसें बनाई थे पर इंटरस्टेट की बसा अजे तक क्यों नहीं इतना रुकी एक भी सिंगल बस तुम दस रहे कि नहीं रुकती इधर देख लो कैमरा मार लो इतना जिन्हें भी है ना सब इतना रात भी देखे शामी टाइम और ट्रक इतना मैक्सीम ज्यादा ट्रक खड़ोते होंगे ने कोई भी इंटरस्टेट बस जी अजे तक मैं तो अपनी लाइफ के कद इतना देखी नहीं कि कद खड़ोती हो कोई करोड़ रुपया लाइए सुहा कर दूसरी चीज़ एक चीज़ और दसना चाहना थोड़े संज्ञान लैना चाहना कि यह कंपलैक्स बनया तुम मैं सुनाओ तुम एक बुद्धिजीवी लोग हो तुम भी कठुए कठुए घूमते हो या बाहर अंदर घूमते हो कदे अज तक देखा कोई बस स्टैंड कोई वाहन शाप कोई ठेका कोई बार खुली दी कदे भी कोई भी चली जाओ तुम चाहे वो जम्मू कश्मीर से बाहर चली जाओ पंजाब चली जाओ हरियाणा चली जाओ दिल्ली चली जाओ उत्थे इहदी माहौल इहदी चीज़ां तुम्हें दिखने नहीं लभनियां इत्थे बस स्टैंड है उत्थे इहदी चीज़ां बिल्कुल नहीं हैन पर यह बस स्टैंड बनाइए एक साइड तुम वाहन शाप खोली दिंदे हो एक साइड तुम इतना ठेके खोली दिंदे हो एक साइड इतना बारा खोली दिंदे हो ये चीज़ दर्शाते हो तुम और तुम एक तरफा जो एल जी गौरमेंट है या फिर बीजेपी गौरमेंट है 2016 के उस टाइम वो क्या आखते हैं कि अहे लोगों वास्ते बड़ा अच्छा काम करना मैं तो दिखना चाहना मैं उन्हें पूछना चाहना कि जो काम किया ये अच्छा काम किया एक तो इंटरस्टेट इतना बस स्टैंड बनाया उतना एक बस नहीं खड़ोती और दूसरी चीज़ कि इतना वाइन शॉप और ठेके खोली तो वार बारा खोली दी मतलब कि उनके करनी कथनी बड़ा फर्क है आखने का मतलब है मैं इनके अगे एक एल जी गौरमेंट अगे इतने राइट नो कोई गौरमेंट तो है ही नहीं है बट एक एल जी गौरमेंट है मैं उनके अगे एक रिक्वेस्ट करना एक कि इतना जल्दी को जल्दी इंटरस्टेट बस स्टैंड बिल्कुल सही तरीके इतना मैनुपलेट किया जा और इतना जी बाहर की बसा जिन्हें भी है ना सारी चाहे वो राजस्थान दी चाहे जम्मू का दिल्ली जा इतना रुकनी चाहिए क्योंकि कालीवीर के दिखा रहे हो कि अज तक दिन दिहाड़े कि उत्थे कैजुअलिटी होंगी है किन्ने लोग साढ़े बेचारे जख्मी होंगे किन्ने लोग उत्थे साढ़े सब छड़िए चलीए साढ़े परिवार के ऐसे लोग ने छड़िए चलीए और मैं ये एक आह्वान करना अपनी एल जी गौरमेंट की आखना चाहना कि जल्दी की जल्दी इस चीज़ का संज्ञान लो अदरवाइज अहे कड़े कड़े से आड़े वार्ड नंबर 15 के कठुए लोग जिन्हें भी बुद्धिजीवी लोग ने सारे कट्ठे होइए अहे तक धरना देना और तुम्हें इतना झुकने पौना और ये चीज़ा करने पौने। जय हिंद जय भारत। तो दिखा रहे कि किन्ना रोष जरा प्रकट करा करते हैं इतने के स्थानीय उन्होंने जो गलाना हा कि करोड़ों रुपये की लागत कहने इतने इंटरस्टेट बस टर्मिनल जरा बनाया गया लेकिन उसके बाद अगर बसा नहीं खड़ोन तो लोगों की जड़ियाँ ने वो कि सहूलत मिली और गल करिए जिला प्रशासन की भी ये पर संज्ञान लेने पौना है
अगर मौजूदा सरकार है या मौजूदा सांसद ने उन्हें भी संज्ञान लेना पौना कि बस टर्मिनल जरा है इसे बनाया गया और यह बसा जड़िया ने वह कदों रुकनिया है इतने आने वाला वक्त दसने और दिखने कि जिला प्रशासन जरा है कदों वर्ग चाहता है। कठुआ स्टार थमां मनीष खजूरिया कैमरामैन साहिल कन्नै धन्यवाद।